डिजिटल कंप्यूटर में डिजिटल सिग्नल्स के रूप में डाटा संचरित, प्रसारित, प्रोसेस करता है। अब प्रश्न ये उठता है कि समान सिग्नल्स में जो डाटा प्रोसेस होता है वो किस डाटा आइटम का है, ये हमें कैसे पता चलेगा। इसके लिए भी बहुत सारी व्यवस्थाएं, बहुत सारी प्रणाली बनाई गई हैं, कंप्यूट प्रणाली बनाई गई हैं। डिस्क्रीट एवं एनालॉग सिग्नल, ये हमारा जो डाटा कंप्यूटर में हम प्रोसेस करते हैं, हम इनपुट करते हैं, वो जो डाटा लेता है वो डिजिटल सिग्नल्स के रूप में लेता है। डिजिटल सिग्नल्स भी दो प्रकार के होते हैं, डिस्क्रीट एनालॉग। डिस्क्रीट को हम डिजिटल सिग्नल कहते हैं और एनालॉग को कंटिन्यूस सिग्नल कहते हैं। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल में जो वैल्यू जाती है वो उच्च मान और निम्न मान, यानी 0, 1 और 0। उच्च मान यानी 1 और 0, निम्न मान यानी 0। यानी ये जो है हमारा उच्च मान है और यहाँ पे जो वैल्यू है वो निम्न मान में आएगी। यानी ये हमारा डिजिटल सिग्नल होता है। पहले उच्च मान निम्न मान। दूसरा हमारा जो सिग्नल होता है वो एनालॉग सिग्नल होता है, जिसे हम कंटिन्यूस सिग्नल कहते हैं। कंटिन्यूस सिग्नल यानी इसमें कोई मान फिक्स नहीं होता, इसमें मान कभी समान नहीं रहता, कुछ भी हो सकता है, इसका मान हमेशा बदलता रहता है। डिजिटल सिग्नल क्या होते हैं? डिजिटल सिग्नल को हम बाइनरी सिग्नल्स भी कहते हैं। जो भी हम डाटा कंप्यूटर में इनपुट करते हैं या कंप्यूटर जो भी डाटा को रीड करता है, उसमें जो भी डाटा भंडारित, संचरित या जो भी वैल्यू प्रोसेस होती है वो डिजिटल सिग्नल्स के रूप में होती है, जिसे हम बाइनरी भी कहते हैं। बाइनरी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें वैल्यू 1 और 0 के रूप में ही होती है। बाइनरी डाटा का अर्थ, बाइनरी डाटा क्या होता है? बाइनरी डाटा को बाइनरी बिट भी कहते हैं। बाइनरी का भी वही वैल्यू है, बाइनरी की वैल्यू 0 और 1 होती है, इसीलिए इसे हम बाइनरी डाटा कहते हैं। नंबर सिस्टम चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 डेसिमल अंक प्रणाली, नंबर 2 बाइनरी अंक प्रणाली, नंबर 3 ऑक्टल अंक प्रणाली, नंबर 4 हेक्साडेसिमल अंक प्रणाली। बाइनरी अंक प्रणाली में वैल्यू 2 होती हैं, क्यों? इसीलिए उसका बेस 2 माना जाता है। वैल्यू क्या होती हैं बाइनरी अंक प्रणाली में? बाइनरी, जिसको हम इंग्लिश में बाइनरी नंबर सिस्टम भी कहते हैं, उसमें वैल्यू होती हैं 0 और 1, इसीलिए उसका बेस उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग माना जाता है। डेसिमल में वैल्यू होती हैं 10। डेसिमल में वही सामान्य वैल्यू होती हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में रोज़ प्रयोग करते हैं, यानी 0 से लेकर 9 तक। जो भी डेसिमल वैल्यू होती हैं सारी उन्हीं 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स जो भी होते हैं उन्हीं के बीच से वो वैल्यू तैयार हो जाती है। कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कितनी भी छोटी से छोटी संख्या हो, वो सारी वैल्यू 0 से 9 तक के नंबर्स के अनुसार ही होती है। तो इसीलिए डेसिमल वैल्यू का जो बेस होता है वो उसकी टोटल नंबर्स यानी टोटल संख्या उसकी 0 से 9 तक की 10 हो जाती हैं, इसीलिए डेसिमल वैल्यू का बेस भी 10 होता है। अब हम आते हैं ऑक्टल अंक प्रणाली। ऑक्टल अंक प्रणाली में दिखती तो ये डेसिमल वैल्यू की तरह ही है, लेकिन इनका बेस 8 होता है, क्योंकि इसमें 0 से लेकर 7 तक के नंबर्स आते हैं, इसीलिए इनका बेस 0 से 7 के बीच 8 नंबर टोटल काउंटिंग हो जाती है, और उसका बेस उसके नंबर के अकॉर्डिंग ही, यानी जितना उसका टोटल नंबर है 0 से 7 तक के बीच में, वही उसका बेस माना जाता है। हेक्साडेसिमल भी इसी की तरह ही है। हेक्साडेसिमल में भी
उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू के अकॉर्डिंग माना जाता है। टोटल वैल्यू उसकी 16 है, यानी 0 से लेके 9 तक, उसके बाद ए बी सी डी ई एफ, यानी टोटल मिलाकर नंबर हो जाती हैं 16। तो 16 उनकी काउंटिंग हो गई है, इसीलिए उसका बेस 16 माना जाता है। अब हम प्लेस वैल्यू जानते हैं कि प्लेस वैल्यू प्रत्येक नंबर सिस्टम की प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही उसका कन्वर्जन होता है। तो प्लेस वैल्यू होती क्या है, अब हम ये जानेंगे कि प्लेस वैल्यू क्या होती है, प्लेस वैल्यू कैसे निकलती है। नॉर्मली हम लोग मैथ्स सभी बच्चे पढ़ते हैं, और मैथ्स में जो प्लेस वैल्यू हम छोटे बच्चों को यानी फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड में ही प्लेस वैल्यू निकालना सिखा देते हैं, ऐसे ही यहाँ भी प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू प्रत्येक नंबर की पोजीशन को डिफाइन करता है कि वो नंबर किस पोजीशन पे है, वही उसकी प्लेस वैल्यू है। देखते हैं कैसे हम प्लेस वैल्यू निकालते हैं। प्लेस वैल्यू निकालने का एक फार्मूला होता है हमारे पास, हम लिखेंगे प्लेस वैल्यू निकालने का फार्मूला। प्लेस वैल्यू बराबर होता है ए गुणा बेस की पावर एन। बेस क्या होता है हमारा, बेस वही होता है किसी भी नंबर सिस्टम की टोटल डिजिट, जैसे बाइनरी है, बाइनरी की टोटल डिजिट कितनी है, 2, यानी 0 और 1, तो उसका बेस कितना हुआ, 2। ऐसे ही डेसिमल का बेस कितना होता है, 10, और ऑक्टल का 8, और हेक्साडेसिमल का 16। अब प्लेस वैल्यू निकालने के लिए इस फार्मूले को डिफाइन जैसे करते हैं, ए बराबर होता है हमारा अंक, बेस हमारा 10 डेसिमल का। प्लेस वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, ए हमारा अंक हो गया, बेस हो गया हमारा 10 यानी डेसिमल का बेस है 10, और n बराबर होता है x माइनस वन। x क्या है, x है हमारे a की संख्या में स्थिति। x बराबर होता है a की संख्या में स्थिति। मान लीजिए 3, 2, 1 को हम प्लेस वैल्यू में रखेंगे, हम बाएं से चलते हैं ऐसे, बाएं से नंबर 1 की प्लेस वैल्यू 1 की, प्लेस वैल्यू क्या हुई, x-1 यानी 0, इसकी प्लेस वैल्यू हुई 0। ऐसे ही 2 की प्लेस वैल्यू हुई 1, और 3 की प्लेस वैल्यू हुई 2। x-1 की प्लेस वैल्यू हुई x-1 यानी 0, 2 की प्लेस वैल्यू हुई 1, और 3 की प्लेस वैल्यू हुई 2। ये हमारे डेसिमल्स हैं, ये हमारा डेसिमल नंबर है। डेसिमल नंबर हमारा 0 से लेके 9 तक के बीच की कोई भी संख्या हमारी डेसिमल वैल्यू होती है। हमारी बाइनरी
जो नंबर्स होते हैं वो 0 और 1 के रूप में होते हैं। अब हम इनका आपस इनका एक दूसरे में रूपांतरण सीखेंगे। रूपांतरण जैसे बाइनरी का डेसिमल में रूपांतरण, यानी कोई भी बाइनरी वैल्यू हो उसका डेसिमल में किस तरीके से कन्वर्जन, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जन, हिंदी में बोलते हैं रूपांतरण या अंतः परिवर्तन भी हम कह सकते हैं। बाइनरी का डेसिमल में रूपांतरण, डेसिमल वैल्यू का बाइनरी में रूपांतरण हम करना सीखेंगे। अब बाइनरी टू डेसिमल रूपांतरण सीखेंगे। बाइनरी से यानी कोई भी बाइनरी वैल्यू है उसको हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले हम बाइनरी वैल्यू लिखते हैं। बाइनरी मान लिया हमारा हो गया ये, बाइनरी वैल्यू को लिखने का तरीका क्या होता है, ये यानी कोई भी बाइनरी वैल्यू है उसको हम किसी भी नंबर को, किसी भी संख्या को हम पहचानते कैसे हैं, उसके बेस से, यानी उसके संख्या के ब्रैकेट के बाद यहाँ पे इस पोजीशन पे बेस लिखा होता है, तभी हमें पता चल जाता है कि ये वैल्यू किस कौन से नंबर सिस्टम की है। यहाँ पे मैंने बेस लिखा है तो बेस से ही हमें पहचान हो गई है कि ये हमारा जो नंबर है वो बाइनरी नंबर है। बाइनरी नंबर को हमें बदलना है डेसिमल में, यानी यहाँ पे हमें इस नंबर को हमें बदलना है बेस में। हमें कैसे पता चला है कि हमें किस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है, हमें उसके बेस से पता चलता है कि हम यहाँ पे बेस लिखा है 10, यानी हमें इस बाइनरी सिस्टम बाइनरी नंबर को उसके बेस से पता चलता है कि हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके लिए एक सिंपल मेथड है कि हम इस नंबर को उसके बेस से गुणा करते हैं और फिर उनको जोड़ देते हैं। लेकिन इनकी पोजीशन लिखते हैं, यानी कौन सा नंबर किस पोजीशन पे है। तो पोजीशन लिखने के लिए हम इधर से यानी दाएं से स्टार्ट करेंगे और बाएं की तरफ चलेंगे, यानी पोजीशन हो गई 1, 0, 1, 2, 3, 4। यानी कि हमने पोजीशन लिख दी है कौन सा नंबर किस पोजीशन पर है। अब एक नियम है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसका मान 1 आता है। 1 कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होती है तो उसका मान हम 1 मान लेते हैं, मानते नहीं, ये नियम है, सिद्धांत है, पहले से ही बना हुआ है कि किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। यानी 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1, और 1 से 1 में मल्टीप्लाई की तो 1 प्लस 2 की पावर 1 और 0 में मल्टीप्लाई की तो 0 प्लस 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 यानी 4 और मल्टीप्लाई की 1 से तो 4 प्लस 2 की पावर 3 यानी 8 आएगी इसकी वैल्यू, और 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आ जाएगी, प्लस 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, 16 की मल्टीप्लाई अगर हम 1 से करेंगे तो 16 आ जाएगा। ये सब की प्लेस वैल्यू यहाँ तक की जो हमारी स्थिति है
ये प्लेस वैल्यू है। अब हम इनको प्लस करते हैं तो वैल्यू 21, वैल्यू आ गई है हमारे पास 21। तो आंसर ये हमारे पास इनका टोटल जो आया है वो 21। तो जो हम आंसर ऐसे लिखेंगे 21 का बेस के साथ इसको हम डिनोट करेंगे, यानी इस बाइनरी वैल्यू की जो हमने ये ऊपर बाइनरी नंबर लिया था इसका डेसिमल वैल्यू 21, इसकी जो डेसिमल वैल्यू है वो आ जाएगी 21 और हम उसे उसके बेस के साथ डिनोट करेंगे। ये तो था हमारा बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करना, यानी किसी भी बाइनरी वैल्यू को हम डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये हमने इतना सीख लिया है कि बाइनरी से डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। ये था भिन्न पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या को हम पूर्णांक बाइनरी को हम डेसिमल में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। अब आती है भिन्नांक की बारी, यानी डेसिमल यानी पॉइंट के बाद जो हम दशमलव बिंदु लगाते हैं उसके बाद की संख्या को हम कैसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए भी मेथड तो यही रहेगा। मान लिया मैं इसी बाइनरी में दशमलव लगाकर ये संख्या आगे बढ़ा देती हूँ और इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो इसको हम डेसिमल में कैसे करेंगे, इसको डेसिमल में कैसे, बाइनरी डिजिट है ये भिन्नांक भाग, इसको हम डेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। डेसिमल में कन्वर्ट करने का भी वही तरीका है, यहाँ तक तो हो गया हमारा पूर्णांक भाग, पूर्णांक संख्या। अब हम लेते हैं भिन्न वाला भाग, यानी भिन्नांक वाला भाग, दशमलव से राइट हैंड वाला पार्ट, दशमलव से राइट हैंड वाला पार्ट लेंगे 0 × 2 + 1 × 2। इनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, यहाँ इसकी पोजीशन है 0, 1, 2, 3, 4। ये दशमलव यानी 0, 1, 2, 3। अब हम 0 से नीचे की तरफ चलते हैं। जब हम 0 से नीचे की तरफ चलते हैं, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं या 0 से जो कम की वैल्यू होती है वो -1, -2, यानी इनकी पोजीशन नेगेटिव में चली जाएगी, यानी -1, -2। बस अब हम इनको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का भी वही तरीका है। +2 की पावर -1, यानी 0 आ जाएगा यहाँ पे, +1 × 1/4, यानी इस -2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी और मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, 4, 0, 16। अब हम इनको सॉल्व करेंगे,
21 प्लस 21.25 यानी के इस बाइनरी नंबर का डेसिमल में कन्वर्जन 21.25 हो जाएगा। ये था बाइनरीज टू डेसिमल में कन्वर्जन। हमने अभी तक बाइनरी से डेसिमल पूर्णांक भाग वाला पढ़ा है, सीखा है हमने। फिर बाइनरी का हमने भिन्नांक वाला भाग कन्वर्जन करना सिखाया है। अब हम सीखते हैं डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमारे पास कोई भी डेसिमल वैल्यू है, उस डेसिमल वैल्यू को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे। अभी तक हमने पढ़ा है बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना। अब तक हम प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अगर हम डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो बाइनरी के बेस से हम डिवाइडेशन करेंगे। डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्जन। मान लिया हमारे पास एक नंबर है 21, उसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। लिखने का यही तरीका होता है कि किसी भी वैल्यू को हम उसके बेस के साथ लिखते हैं और बेस से ही हमें पता चलता है कि हमारी वैल्यू कौन से नंबर सिस्टम की है और हमें किस नंबर सिस्टम में उसे कन्वर्ट करना है। अब हमारे पास है 21 डेसिमल वैल्यू, उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे। भागफल जो भी हमारा डिवाइडेशन में, हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक तो भागफल नंबर 1, भागफल नंबर 2, शेषफल। भागफल को इंग्लिश में कोशेंट बोलते हैं और शेषफल को इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं। तो रिमाइंडर जो होता है वो इधर आता है और कोशेंट हमारा इधर की तरफ लिखा जाता है। गुणनखंड, इसे हम मैथ्स में आप गुणनखंड विधि भी बोलते हैं। गुणनखंड विधि से डेसिमल वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट करना। हम 2 से 21 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 1 2, और 2 से हम 21 को डिवाइड करेंगे तो 10 टाइम चलेगा और रिमाइंडर बचेगा 1। तो हम रिमाइंडर को इधर लिखते चले जाएंगे। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 5 10, रिमाइंडर कितना बचा? 0। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 2 4, रिमाइंडर कितना बचा? 1। वन
रिमाइंडर कितना बचा? जीरो। और हमें नीचे हमें ये इस तरीके से लिखना होता है MSB। MSB का मतलब होता है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी ये वैल्यू हम ऐसे लिखते हैं तो हम इधर से लिखते हैं 0101 0101, ये हमारी बाइनरी नंबर आ गया है।